इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। तिवारी ने कहा, राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर बयानबाजी करके केवल पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, जो भारत की छवि को खराब करता है। तिवारी ने सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी द्वारा भाग लिए गए कार्यक्रम के आयोजक थे, उन पर भी सवाल उठाए और कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य करार दिया है। भारत के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बोलना, ये राहुल गांधी जी के एक प्रचलन हो गया है कि उससे उनको लाभ मिलता है, उनकी पब्लिसिटी होती है। और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो उस बातों को ज़्यादा प्रचारित करते हैं। उसमें एक तो जॉर्ज सोरेस है, एक हिडनबर्ग है, एक राहुल गांधी है, ये एक गैंग बना हुआ है। ये गैंग भारत की छवि को खराब करने के लिए भारत के बाहर जाकर कुछ प्लेटफार्म का उपयोग करता है। किसी यूनिवर्सिटी में 16 लोगों को बुलाया और उनके सामने भाषण दे दिया, और विशेष रूप से इसका आयोजन वो आदमी कर रहा है जिसने भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा था, सैम पित्रोदा ने, जिसने कहा था दक्षिण की नस्ल अलग है, पश्चिम की नस्ल अलग है, उत्तर की नस्ल अलग है, और उसके बाद में उसको ओवरसीज कांग्रेस के पद से चुनाव में हटा दिया गया था। अब उसको चुनाव के बाद में वापस उसी पद पर बैठा दिया गया है, और वही आदमी आयोजन कर रहा है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, और इसलिए ये लोग इस प्रकार की बात कर सिखों का, गुरुद्वारों का, गुरु गोविंद सिंह जी का और साहबजादों के लिए वीर बाल दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है, और सारे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और सिख सब भारत में उसी प्रकार रहते हैं जैसे अन्य समाज के लोग रहते हैं। तो वहाँ जाकर ये कहना है कि सिख गुरुद्वारे में जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, ये खालिस्तानी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो इस प्रकार की जो बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर विचार करना चाहिए कि इन लोगों को बाहर जाने की परमिशन भी दी जाए या नहीं दी जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर तिवारी ने कहा, यह समय की आवश्यकता है और कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका समर्थन किया गया है। इन मुद्दों को लेकर राजस्थान की राजनीति में लगातार बयानबाजी जारी है और वन नेशन वन इलेक्शन और राहुल गांधी के बयानों पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। बात पर तो कोई रिएक्शन नहीं करता हूं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में बेहतर में हुआ, इस देश में 67 में हुआ, इस देश में बेहतर में हुआ। इसके बाद में आपातकाल लगने के बाद में सारे कार्यक्रम परिवर्तन हुआ, और अब भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, और उस रिपोर्ट ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन समय की आवश्यकता है, और उसको किस प्रकार से परिपूर्ण किया जा सकता है वो भी बता दिया गया है। इसलिए ये राष्ट्रीय आवश्यकता है, ये सब अन्य राष्ट्रों में भी होता है, और ये निश्चित रूप से होना चाहिए और होकर ही रहेगा।